संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद की कार्यवाही नए भवन में शिफ्ट होगी। सूत्रों का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे तब वे अपने साथ भारतीय संविधान की एक प्रति अपने हाथों में रख सकते हैं। नए संसद भवन में संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। संसद का विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू होगा, फिर नए भवन में चलेगा। 19 सितंबर को दोनों सदनों की कार्यवाही पुराने के बजाय नए संसद भवन में होगी, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी भी है। इस दिन नए संसद भवन में विधिवत पूजा के बाद प्रवेश किया जाएगा, इसके बाद ही कार्यवाही का संचालन होगा। इन कार्यक्रमों को देखते हुए मंगलवार बुधवार को केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय और CPWD के वरिष्ठ अधिकारियों ने नए संसद भवन का दौरा भी किया। एक अधिकारी ने कहा कि राज्यसभा में ऑडियो का लेवल और सांसदों के लिए मल्टीमीडिया सिस्टम की आखिरी बार जांच की गई है। इसमें सब कुछ पूरी तरह दुरुस्त है। नई इमारत में कैफे और रसोई भी स्तर के दौरान चालू रहने की पूरी संभावना है। विशेष सत्र पूरा होने के बाद नई संसद में 13-14 अक्टूबर को G20 देशों की संसद के स्पीकर का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस बीच सरकार की तरफ से सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को विशेष स्तर के 500 दिन सदन की पूरी कार्यवाही के दौरान पूरे समय मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक लोकसभा में सांसद मंत्रियों को निचले सदन में और राज्यसभा से सांसद मंत्रियों को पूरी कार्यवाही के दौरान उच्च सदन में मौजूद रहने का निर्देश मिला है। राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ नए संसद भवन की एक संविधान हॉल भी बनाया गया है। नई लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। राज्यसभा का आकार लोकसभा के मुताबिक छोटा होगा। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में होगा। इसमें 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए भवन में सांसदों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़, 24/7।